परिवर्तन निदेशालय ईडी ने रविवार को अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडस को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने वाली उड़ान पर सवार होने से रोक दिया। एजेंसी ने उन्हें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ चल रही धन शोधन मामले की जांच में शामिल होने की संभावना के चलते हवाई अड्डे पर रोका। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले आवर्जन अधिकारियों ने ईडी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर 36 वर्षीय अभिनेत्री को हवाई अड्डे पर रोका। अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद एजेंसी के अधिकारी मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे और उनको यात्रा की अनुमति नहीं दी और जैकलिन को देश में ही रहने के लिए कहा क्योंकि उन्हें जांच में शामिल होना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि जैकलिन या तो दुबई या मास्कट जा रही थी और उन्हें रोके जाने के बाद शाम करीब 6 बजे वह हवाई अड्डे से चली गई। गौरतलब है कि ईडी ने चंद्रशेखर और उसकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल के खिलाफ 200 करोड़ रुपए से अधिक के धन का शोधन मामले के जांच के सिलसिले में जैकलिन से पहले भी पूछताछ की थी। एजेंसी ने शनिवार को इस मामले में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किए थे और इसमें चंद्रशेखर उनकी पत्नी और 6 अन्य को नामजद किया था। वहीं इसी के साथ आरोप ये भी थे कि चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को कई महंगे उपहार दिए थे